उमरिया जिला चिकित्सालय में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर आने वाले वृद्धजनों का स्वास्थ्य संबंधी जांच परीक्षण किया गया। दूर दराज से पहुंचे बुजुर्गों को यह सम्मान के साथ परीक्षण के दौरान समझाइश के बाद उन्हें दवा भी दिया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन डॉक्टर रोहिल्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, यह शिविर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजनों के अवसर पर 5 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें वृद्धजनों को स्वास्थ्य संबंधित निःशुल्क जांच परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है तो उसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाहर इलाज के लिए रेफर कर दिया जाएगा, जिसकी सारी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की होगी। इस अवसर पर डॉक्टर मुकुल तिवारी, डॉक्टर संदीप सिंह, डॉक्टर राजीव लोचन तिवारी आदि डॉक्टर वृद्धजन शिविर के दौरान उपस्थित रहे। सर, ये वृद्धजनों का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिविर लगा है 1 तारीख को। राष्ट्रीय वृद्धजन लोगों को सलाह दी जा रही है, परामर्श के साथ दवाई भी। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि पूरे देश में मनाया जा रहा है, हमारे जिला चिकित्सालय में 1-5 दिन के कैंप रहेंगे 1 से 5 तारीख के, जिसमें सारे वृद्धजनों की जाँचें की जाएंगी और ब्लड शुगर, जो भी कैंसर अगर उनको रिफ़र भी करना होगा तो हम रिफ़र भी यहाँ से करेंगे। उनकी सीटी स्कैन वगैरह, दवाइयाँ तो दी जा रही हैं, सारी स्क्रीनिंग की जाएगी, समस्त बीमारियों निःशुल्क रहेगी, निःशुल्क, ये पूरी तरह निःशुल्क रहेगी और इसमें रिफ़र भी हम करेंगे। सर, आँख के चश्मे संबंधित जानकारी? चश्मे के लिए अभी कुछ चिन्हित हैं अस्पताल चित्रकूट से भी आते हैं, एक डॉक्टर शेफाली गुप्ता भी हमारे यहाँ आते हैं कटनी से, वो भी यहाँ चिन्हित करके मोतियाबिंद के मरीजों को लेके जाती है, निःशुल्क उनका ऑपरेशन किया जाता है, चश्मे भी वितरित किए जाते हैं उनको।